दोस्तों, आप फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक नए टॉपिक को और ले जाना चाहता हूं जो है डिश टीवी से संबंधित। डिश टीवी में आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हमारे चैनल्स जो है ट्रांसमिट होते हैं। जी हाँ, ट्रांसपोंडर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। डिश टीवी के जो ट्रांसपोंडर्स हैं उसके जो हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, उनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डिश टीवी के जब हम सैटेलाइट इन्फो ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, लेकिन वह किसी भी तरह का काम का नहीं है। उस पर क्लिक करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आपको मैं उसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे हमारे सिग्नल्स इंप्रूव हो सकें, एक नए ट्रांसपोंडर को उस ट्रांसपोंडर की जगह ऐड कर सकें जो हमारा होम ट्रांसपोंडर है। शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमने अपने डिश टीवी को ऑन कर लिया है और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि हम डिश टीवी के ट्रांसपोंडर्स में किस तरह से बदलाव करते हैं। तो दोस्तों, हमें रिमोट पर जाकर राइट क्लिक करके राइट एरो पे हमें फिफ्थ ऑप्शन सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में ऑप्शन जाने के बाद हमें टोटल 5-6 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें हमारा पिक्चर सेटिंग्स, गाइड सेटिंग्स, सेटअप बॉक्स इन्फो यानी एसटीबी इन्फो, चैनल सर्च, कनेक्ट सीए और ऑटो ट्यून का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसमें से हमने दोस्तों जाना है थर्ड ऑप्शन पर जिसका नाम है एसटीबी इन्फो। एसटीबी इन्फो पर हम जैसे ही ओके का ऑप्शन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसमें हमारी डिटेल्स आ जाती है सेटअप बॉक्स इन्फो शीट। सेटअप बॉक्स इन्फो शीट यानी हमारी सेटअप बॉक्स से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो इसमें अवेलेबल होती है कि हमारे रिसीवर्स हो गए वो कौन से हैं, ट्रांसपोंडर्स जो है वो कौन से हैं, एशियासैट 5 है, एनएसएस 6 है, ये सैटेलाइट्स होते हैं डिश टीवी के, इसमें जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं वो कितने प्रतिशत आ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे ट्रांसपोंडर्स हैं सारे, इसको जो टीपी है इसको हम टेम्परेरी भी कहते हैं, ट्रांसपोंडर्स भी कहते हैं, ये अलग ट्रांसपोंडर शो हो रहे हैं। और ये ग्रीन सिग्नल जो आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपके ट्रांसपोंडर्स में सिग्नल्स आ रहे हैं। अब वो ट्रांसपोंडर के सिग्नल कितने आ रहे हैं इसकी जानकारी तो नहीं है, उसको तो हम मैनुअली चेक कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन ये इससे साबित हो सकता है कि ये जो है आपके सिग्नल आ रहे हैं। अगर किसी टर्म ट्रांसपोंडर में ये जो हमारे ऑप्शन ग्रीन आ रहे हैं इसमें से अगर किसी में भी टीपी 5, 6, 7 जो भी हैं इसमें से अगर किसी में भी रेड ऑप्शन आ रहा है यानी रेड कलर में वो ब्लिंक कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उस ट्रांसपोंडर में सिग्नल नहीं है। और उस टर्म ट्रांसपोंडर में जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एचडी के हैं चाहे वो एसडी के हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ट्रांसपोंडर्स को कैसे बदलाव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं जिससे हमारे किसी भी तरह के सिग्नल्स की दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं क्या करना होगा दोस्तों इसमें आपको, कि नीचे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे मेजर। ये दो ऑप्शंस हमारे मेजर नजर आ रहे हैं, एक हमारा इन्फो का ऑप्शन है और एक हमारा सेटअप का है। इन्फो में दोस्तों अगर हम जाएंगे तो हम इसमें देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि इन ट्रांसपोंडर्स में कितने प्रतिशत सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं, वो इससे आप चेक कर सकते हैं। अपने रिमोट से आप जैसे ही ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो वो शीट आपको नई खुल जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ब्लू बटन को प्रेस किया एक नई शीट हमारे सामने हाजिर हो गई है, ट्रांसपोंडर लिस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रांसपोंडर लिस्ट हमारे सामने हाजिर हो गई है। ये सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट का नाम जो है वो हमारा NSS-6 है। NSS-6 सैटेलाइट जो है वो डिश टीवी इस्तेमाल करता है और इसमें जो ट्रांसपोंडर है वो हमारा है 1268 मेगाहर्ट्ज़ 27500 kbps वर्टिकल। ये हमारा होम ट्रांसपोंडर होता है दोस्तों जिससे हमारे डिश टीवी जो है कनेक्ट रहता है, चलता है। अगर आप इसको बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1268827500 जो मेरी ट्रांसपोंडर है इसमें मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो 74% है और सिग्नल क्वालिटी जो है वो अप डाउन होती रहती है, चाहे वो 78 है फिर 81 है या 85 हो रही है फिर 77 आ रही है, तो ये दोस्तों अप डाउन चलता रहता है, इसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती है जो जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी कम होगा, सिग्नल क्वालिटी होगा, तो आपके पिक्चर्स में कनेक्टिविटी में समस्या हो सकती है, आपका चैनल जो है वो नहीं चलेगा या नो सिग्नल शो बार बार कर सकता है, चलते चलते बंद हो सकता है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। उसके बाद दोस्तों अब इन सभी ट्रांसपोंडर्स में जो वहाँ ग्रीन शो रहे थे इसको आप बारी बारी से डाउन एरो को कर करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ट्रांसपोंडर्स में कितने प्रतिशत सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी है। आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड पे किया है 11510 पर, तो हमारे इसमें 72%,
सिग्नल स्ट्रेंथ है और सिग्नल क्वालिटी हमारी 61 या 60 या इससे ऊपर नीचे हो रही है तो आप देख सकते हैं। इसी तरह हम सारे चेक कर सकते हैं दोस्तों जितने भी हमारे ट्रांसपोंडर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे सिग्नल्स जो हम चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसमें सैटेलाइट की बात करें तो ये जो NSS-6 सैटेलाइट है दोस्तों ये बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड चैनल्स के लिए डिश टीवी इस्तेमाल करता है और उसको कुछ ही महीनों पहले ही इन्होंने HD के लिए एक ट्रांसपोंडर को कन्वर्ट किया है जिसमें केवल HD चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले जो था वो सिर्फ NSS-6 सैटेलाइट जो था वो केवल HD चैनल्स के लिए जो नॉर्मल चैनल्स हैं उन्हीं के लिए था और ASIA-SAT-5 जो है दोस्तों डिश टीवी का सेकेंड सैटेलाइट है जिसको वो हाई डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ASIA-SAT-5 का ट्रांसपोंडर है और मेरा इस वक्त जो है 12522 MHz 40700 kbps वर्टिकल जो ट्रांसपोंडर है इसमें मेरी इस वक्त सिग्नल स्ट्रेंथ जो है 68% आ रही है और सिग्नल क्वालिटी मेरी 69 या 68 से 70 वो अप डाउन होती रहती है। तो आप इसी तरह से सभी दोस्तों ट्रांसपोंडर में इसमें भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत हमारे सिग्नल आ रहे हैं कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हम सिग्नल्स को चेक कर सकते हैं। अगर किसी में भी आपको समस्या नजर आ रही है तो कृपया थोड़ी देर के इंतजार कर लीजिए, शायद आपके मौसम में समस्या हो या हमारा मौसम खराब हो या आसपास कहीं बारिश है या बादल हैं तो हो सकता है कि सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही हो और आपके डिश डायरेक्शन अगर सही है तो कृपया थोड़ी देर का इंतजार कर लीजिए अगर मौसम में खराब भी है। लेकिन अगर मौसम बिल्कुल साफ है और तब भी आपकी सिग्नल्स में समस्या हो सकती है तो कृपया अपने डिश को चेक कर लीजिए या फिर आप अपने जो आपके LNB जो लो नॉइस ब्लॉक LNB है उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। अन्यथा आपको मैं एक और ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो सबसे मुख्य ऑप्शन जरूरी है वो यही है कि आप अपने ट्रांसपोंडर्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। इस वक्त जो मेरी ट्रांसपोंडर आप देख सकते हैं वो ये है 12688 मेगाहर्ट्ज़ 27500 वर्टिकल। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपके सामने ही। अब मैं ग्रीन बटन पर क्लिक करूँगा जैसे मेरी जो ट्रांसपोंडर लिस्ट है वो बैक हो जाएगी, बैक हो गई है। अब दोस्तों फिर हम उसी वर्जन पे आ जाइए, अब हमारे ऑप्शन आ रहा है सेटअप का। पहले हमने इन्फो पे गए थे इनके सिग्नल्स को चेक करने के लिए कि कितने प्रतिशत हमारी क्वालिटी और स्ट्रेंथ है और अब हम जाएंगे सेटअप पे जिसमें हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सेटअप में क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं रेड बटन को प्रेस करने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने रेड बटन को प्रेस कर दिया है और मेरी एक इंस्टॉलेशन मेन मेन्यू की जो है लिस्ट खुल गई है। दोस्तों इस लिस्ट में हमारा नजर आ रहा है होम फ्रीक्वेंसी। होम फ्रीक्वेंसी दोस्तों वही है जिसके मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ, ये ट्रांसपोंडर लिस्ट होती है। इसमें हमारे NSS-6 सैटेलाइट और ASIA-SAT-5 जो है ASIA-SAT-5 जो है इसी के ट्रांसपोंडर अवेलेबल होते हैं और उनमें क्या क्या सिग्नल्स आ रहे हैं कितने प्रतिशत आ रहे हैं और उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं वो भी दोस्तों इसी में ही होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो LNB का है। LNB में हम जो भी चेंजेस कर सकते हैं आप देख सकते हैं कई ऑप्शन नजर आ रहे हैं। LNB सेटअप, सिस्टम सेटअप, टाइम जोन, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, फोर्स सॉफ्टवेयर अपडेट, चूज बॉक्स टाइप, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि हम इसमें होम फ्रीक्वेंसी में हम कैसे एडिट कर सकते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों होम फ्रीक्वेंसी जैसे इस पे ऑप्शन पे आते हैं इस पे आप ओके प्रेस कर दीजिए, ये रेड बटन जो है दबा सकते हैं खोलने के लिए। तो इसमें मैं ओके कर देता हूं तो दोस्तों देखो आपके सामने ये होम ट्रांसपोंडर की एक द्वारा लिस्ट खुल गई है। ये होम ट्रांसपोंडर की लिस्ट दोस्तों वो है कि जिसमें हम अपने ट्रांसपोंडर्स को देख सकते हैं कि हमारा इस वक्त कौन सा होम ट्रांसपोंडर है यानी टेम्परेरी है जो हमारे सिग्नल्स दे रही है। तो दोस्तों इसको हम एडिट कैसे करें वो आपको मैं बताता हूं कि इसमें पहले आपको चार ऑप्शंस के बारे में बता दूं कि नीचे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इसमें से अगर आप किसी एडिट के ऑप्शन को भी क्लिक करते हैं एडिट के लिए वो आपको बता रहा है कि आप ब्लू बटन पर प्रेस कीजिए। ब्लू बटन पर अगर हम प्रेस कर भी देते हैं तो दोस्तों उसका कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों आपके सामने मैं ब्लू बटन है उस पर प्रेस करूंगा तो देखिए दोस्तों कोई चेंजेस नहीं हुई है, आपके सामने कोई एडिट नहीं हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है, जैसे आ रहा है वैसे चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको तभी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप तभी कीजिए अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है ट्रांसपोंडर्स की, आपको मालूम है कि कौन से ट्रांसपोंडर को हम ऐड करने जा रहे हैं तो ही आप इसको छेड़खानी कीजिए, अन्यथा ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपके जो डिश टीवी है वो चलने में बंद हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी ट्रांसपोंडर को चेंज करने से पहले अगर आपका ट्रांसपोंडर हमेशा यही होगा होम का 12688 मेगाहर्ट्ज 27500 तो दोस्तों इस ट्रांसपोंडर को या तो कहीं लिख लीजिए, इसके जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वो लिख लीजिए
ताकि अगर आप बाई चांस कोई चेंजेस बदलाव करते हैं ट्रांसपोंडर में एडिट करके और उसमें अगर सिग्नल की समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर एक डिजिट में भी कोई गड़बड़ हो गई तो आपके सिग्नल नहीं आने वाले। तो अगर आप चेंजेस वाकई कर रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक कीजिए, और अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो आपको एक जरूरी ये होगा कि इसको अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि अगर उसमें एडिट करके फिर दोबारा अब इस वाप ट्रांसपोंडर को जो नंबर है वो वापस से ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे सिग्नल जो है डिश टीवी के वापस आ जाएंगे जैसे हमारे अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो मुख्य टिप्स है वो यही है कि इसको करने से पहले, ट्रांसपोंडर में बदलाव करने से पहले, आपको इस नंबर जो ट्रांसपोंडर है होम ट्रांसपोंडर, इसको आप याद रख लीजिए या याद नहीं तो कहीं लिख लीजिए कि कौन सा इसका मेथड है 12688 मेगाहर्ट्ज 27500 kbps वर्टिकल, इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे और आप जब भी इसको एडिट करें और उसमें कोई समस्या हो, उसमें सिग्नल ना आ पाए, तो आप वापस इस डिजिट को ऐड कर दें और आपके सिग्नल जो है वो वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसमें बदलाव हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बदलाव करने के लिए आपको मैं एक कोड बता रहा हूँ, उस कोड से ही हम इन ट्रांसपोंडर्स में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें 9523 क्लिक करते हैं, देखो दोस्तों होम ट्रांसपोंडर के एडिट ऑप्शन जो लॉक था वो अनलॉक हो गया है। दोस्तों ये डिश टीवी का ऐसा फीचर है जो बेसिकली हमें इस्तेमाल करने को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर हम जरूरी है हम ट्रांसपोंडर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमें चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको मैं फिर बता देता हूँ। इसमें अगर कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो इसमें आपका ब्लू बटन का काम कोई नहीं है, अगर बेशक वो कुछ शो हो रहा है लेकिन ये नहीं करेगा। इसके लिए आपको जो आपके नंबरिंग ऑप्शन है इसमें से आपको तुरंत 9523 इकट्ठे एक साथ दबाना है और दोस्तों ये नई होम ट्रांसपोंडर की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये ओपन होगी, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है कि आप उसमें कौन सी नई ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया कि हमारा 12688 मेगाहर्ट्ज, देखो दोस्तों फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में वो बता रहा है कि आप ऐड कीजिए, आपकी इसमें ये है वो ये है 12688 मेगाहर्ट्ज की, इसको आप क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारा सिंबल रेट kbps जो है वो हमारा 27500 है, इसको आप बदलाव करके क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा जो पोलराइजेशन है वो हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, अभी हमारा इस ट्रांसपोंडर का वर्टिकल है तो उसको आप क्या रखना चाहते हैं वो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा FEC इनर आ रहा है, FEC इनर को हमारे 5.6 या 7.8 या 2.4 ये आपके हिसाब से होता है, तो ट्रांसपोंडर के हिसाब से होता है, वो जरूरी नहीं है, अगर इसको सेम रखोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे। आपके सामने फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है 12688, राइट एरो से आप इसको ऐसे करेंगे तो ऑप्शन चेंज होता जाएगा कि हमें कौन से नंबर को एडिट करना है, 8 को एडिट करना है, 8 को करना है, 6 को करना है, 2 को करना है, 1 को करना है, वो आपके ऊपर है। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन सी ट्रांसपोंडर है वो सामने एक ट्रांसपोंडर ऐड करने जा रहा हूँ, ये है 121, जहाँ पे 6 है मैंने थर्ड नंबर पे किया और वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 1। दोस्तों देखो 6 का मेरा 1 बन गया, मैंने क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस थे नंबरिंग में उसमें मैंने 1 दबा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ 8 है उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा 7, तो दोस्तों 7 हो गया, और जहां पे मेरे लास्ट में 8 आ रहा है उसको मैं कर दूंगा 0। तो दोस्तों ये 12170 एक ट्रांसपोंडर हो गया फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। अब वो मुझे कह रहा है कि आप सिंबल रेट में क्या रखना चाहते हो, तो सिंबल रेट में मेरा 27500 जो है इसको मैं कर दूंगा वैसी नंबरिंग में जाकर 407, बाकी जो लास्ट के हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा क्योंकि वो जो मेरे को ट्रांसपोंडर मालूम है वो इसका यही है जो फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद पोलराइजेशन जो है वो वर्टिकल है, इसको मैं कर दूंगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो ट्रांसपोंडर मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ, उसका जो है वो पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल है। दोस्तों अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा ओके, क्या आपको ओके प्रेस कर सकते हो या रेड बटन क्लिक कर सकते हो वो आपके ऊपर है, तो मैं इस पर ओके प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सिग्नल्स में चेंजेस हो गई है, मेरा जो होम ट्रांसपोंडर है वो अब बदल चुका है, मेरा हो गया है 12170 मेगाहर्ट्ज 4700 kbps हॉरिजॉन्टल होम ट्रांसपोंडर।
तो दोस्तों मेरा जो होम ट्रांसपोंडर है वो बिल्कुल बदल चुका है और आपके सामने की बात है। सिग्नल स्ट्रेंथ जो है मेरी 76, 78 आ रही है और जो सिग्नल क्वालिटी है वो 95 आ रही है, 99 हो रही है, वो 92 हो रही है। तो वो तो आपको मैंने बताया था कि वो होती रहती है, लेकिन ट्रांसपोंडर जो मेरा बदल चुका है और इस ट्रांसपोंडर में जो भी चैनल्स अवेलेबल होंगे वो मेरे डिश टीवी में ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप डिश टीवी में ट्रांसपोंडर्स को किस तरह से चेंज कर सकते हो, और अगर आप वापस उस ट्रांसपोंडर को वापस लाना चाहते हो जो आपका पहले था और उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हो, तो आपको फिर सिंपली वही करना होगा जो आपको मैंने स्टेप पहले बताया कि एडिट ऑप्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 9523 को एक साथ दबाना है और इसमें फिर दोबारा से आप वही मेगा हर्ट्स ऐड कर दीजिए, जैसे 12688 और यहाँ पे 27500, और जो पोलराइजेशन था उसको मैं वर्टिकल कर दूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो दोस्तों सेम मेरे वही सिग्नल्स वापस आ गए जो मेरे पहला था, जो ट्रांसपोंडर था मेरा पहले था वो वही वापस आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, कि अगर आप किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है सिग्नल्स में या किसी तरह से ट्रांसपोंडर में, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं डिश टीवी में ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए चैनल्स देखने को मिल सकें और आपको सिग्नल जो है वो बेहतर मिल सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।